बुलिवर्ड मॉल हैदराबाद में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस रंगारंग मेले में सिंध के मारूफ फनकार व कॉमेडियन असगर खोसो और मशहूर कंपेयर अहमद गुडेल ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। दोनों फनकारों ने मेले में अपने फन का मुजाहरा किया और तकरीब को चार चांद लगा दिए। सबसे पहले तो हैदराबाद वालों का बहुत शुक्र गुजार हूँ, इतना प्यार देते हैं और हमेशा इतना इंतजार कर रहे होते हैं। मेरा फोन भरा पड़ा होता है हैदराबाद के, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो हर वक्त पूछ रहे होते हैं अहमद भाई आप कब आएंगे, तो मेरे आने के मैं हमेशा बेताब होता हूँ। साथ में बॉलीवुड मॉल तो मेरा दूसरा घर है और इनके जितने भी लोग हैं मेरे यहाँ पे सारे अब एक घर वाली बात हो गई है। तो बॉलीवुड इज इटसेल्फ अ ग्रेट मॉल, हैदराबाद सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर, बहुत खुशी होती है यहाँ पर आके। और आज का ये इवेंट चार चांद लगाए हुए हैं आप तमाम लोगों ने जो यहाँ पर आके इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। बॉलीवुड मॉल है तो बेस्ट ऑप्शन है पब्लिक के लिए और वो इधर सेफ होते हैं, फैमिलीज भी आती हैं। तो वंडर फेस्टिवल का जो इवेंट था वो बड़ा अच्छा था और ऐसे होने चाहिए क्योंकि फैमिलीज के साथ आते हैं आदमी। मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया और ख़ास करके हैदराबाद वालों ने भी इन्जॉय किया और बहुत सारे जो है ना वो डिस्काउंट्स के भी लगे हुए थे इश्तिहार, तो मैंने तो एंजॉय किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बॉलीवुड मॉल फैसल मलिक ने हैदराबाद टाइम्स से गुफ्तगू में बताया कि बॉलीवुड मॉल में नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स की आउटलेट्स मौजूद हैं और ये हैदराबाद का वाहिद मॉल है जो शहरियों को और उनकी फैमिलीज को सिक्योर माहौल फराहम करता है। ये विंटर फेस्टिवल हमारा आज से 23 तारीख से शुरू हुआ है और ये 8 जनवरी तक रहेगा, इसकी एंडिंग 8 जनवरी को होगी। 8 जनवरी को हमारा मेगा ड्रॉ होगा जिसके अंदर बाइक्स हैं और बहुत सारे तोहफे तहफ़ हैं, एक दो टिकट्स दे रहे हैं हम, उनजा का पूरा पेड पैकेज है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बाइक्स हैं, बेबहा इनाम आते हैं। बॉलीवुड मॉल में 23 दिसंबर से शुरू होने वाला विंटर फेस्टिवल 8 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगा और आखिर में एक मेगा ड्रॉ का भी इनेकाद किया जाएगा जिसमें जीतने वालों को भरपूर इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरामैन फहीम लोदी के साथ आमिर राहो, हैदराबाद टाइम्स।